डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनियाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एंटी माइक्रोबियल पढ़ने वाले हैं। एंटी माइक्रोबियल किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे यदि आपने, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपको पढ़े। वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका जिसमें गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स के एक मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपको बायो केमिस्ट्री या और इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल। एंटीमाइक्रोबियल होता क्या है? एंटीमाइक्रोबियल का मतलब होता है एंटी का मतलब अगेंस्ट, माइक्रोब का मतलब जिसकी साइज माइक्रो लेवल की होगी, 10^-6 मीटर की लेवल की होगी, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स में कौन कौन आते हैं? वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, रिकेट्स आते हैं, अमीबा आता है, ये सारे के सारे, फंगस आता है, ये सारे के सारे कौन होता है? माइक्रोब्स होते हैं। और इनको किल करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं उनको बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। फ्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री में वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। अब मैं अपन यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, सिंपल सी बात करेंगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे जो एंटी माइक्रोबियल वो दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और साइडल। स्टैटिक का मतलब होता है यहाँ पे जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, साइडल का मतलब जो माइक्रोब को किल कर देते हैं, उनको अपन बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। ओके, और इसमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन में किस तरह से वो क्रिंग करते हैं, या तो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। माइक्रोब्स किसका बना होता है? प्रोटीन के साथ ही वो और उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो चाहे डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। प्रोटीन वो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन या वो बनी होती है, अपन इसकी बात करें तो कहने का मतलब या तो उसका प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर देता है, या ऑक्सीडेशन कर देता है, या हैलोजिनेशन कर देता है। ये तीन चार तरह की मैकेनिज्म होती है और उसी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एंटी माइक्रोबियल हमने किसको बोलते हैं? विच किल, किसको बोलते हैं अपन? विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किल करता है उसको बोलते हैं अपन साइडल, और जो इनहिबिट करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास दो डेफिनेशन और आती है, दैट इज डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। बहुत सिंपल सी बात है, यदि मैं डिटॉल जो होता है, जो अपने मार्केट में मिलता है, या सेवलोन होता है, यदि मैं उसको पानी में डाल के पोछा लगाता हूं तो वो क्या हो गया? एज ए डिसइंफेक्टेंट में, क्योंकि पोछा लगाने का मतलब फ्लोर पे मैं काम ले रहा हूं तो नॉन लिविंग सर्फेस हो गई, तो वो उस कंडीशन में हो गया डिसइंफेक्टेंट। यदि मैं लिविंग सर्फेस पे यदि वगैरह को साफ करने के लिए मैं यूज लेता हूं तो उस टाइम पे वो क्या हो गया? एंटीसेप्टिक। इसका मतलब समझना, डिसइंफेक्टेंट हम किसको बोलते हैं? नॉन लिविंग सरफेस में यूज लेने वाले को हम बोल रहे हैं डिसइंफेक्टेंट, और लिविंग सरफेस पे यूज करने वाले को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। इन दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म एक्शन, जैसा कि मैंने बताया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, और ये इसका इस तरह से है, सपोज इसने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई से भी एक कंडीशन होगी तो उसका क्या होगा? या तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, या उसका किलिंग हो जाएगा, या उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो हैलोजिनेशन भी हो सकता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं एस्ट्रीजिएंट एक्शन। एस्ट्रीजिएंट का मतलब विच कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एटसेट्रा। क्लियर? तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन मेनली इनका किसके बेसिस पे, कि इनका मैकेनिज्म एक्शन किस तरह से है वो रहता है, जिसमें ऑक्सीडेटिव एजेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड पहला एग्जाम्पल हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब H2O2, KMnO4 का मतलब लाल दवा की बात कर रहे हैं। जिंक परऑक्साइड परऑक्साइड के फॉर्म में रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaOCl, जो जनरली सैनिटाइजेशन में काम आता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना चल रहा, तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम की बात कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन रहता है, जो लाइम क्लोरीनेटेड लाइम के फॉर्म में रहता है। इनकी सबकी डिटेल हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। आयोडीन प्रिपरेशन में आयोडीन सॉल्यूशन होता है और पोविडोन आयोडीन होता है। ये है
ये क्या करता है, हेलोजन है तो हेलोजनेशन करेगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट की बात करेंगे मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा, इसका मतलब वो एस्ट्रिजिएंट एक्शन है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और माइल्ड सिल्वर प्रोटीन आता है। सिमिलरली मर्करी कंपाउंड है, मर्करी कंपाउंड दैट इज अगेन येलो मर्करी येलो मर्करी ऑक्साइड और अमोनिनेटेड मर्करी की बात करेंगे। अमोनिनेटेड मर्करी मतलब मर्करी के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड्स की बात में सल्फर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, वो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें सबलाइम्ड सल्फर होता है, प्रेसिपिटेटेड सल्फर होता है, और यदि कंपाउंड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सेलेनियम सल्फाइड की बात करेंगे और कैडमियम सल्फेट, ये होंगे सारे के सारे सल्फर कंपाउंड विच एक्ट एज ए एंटी माइक्रोबियल। ओके, अब उसके बाद में आता है बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा बोरिक एसिड का सॉल्यूशन हम आंखों को धोने के काम में लेते हैं। ओके, वो क्यों लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल मैकेनिज्म। आर्सेनिकल्स पे क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, विच कंपाउंड यूज्ड एज ए या आर्सेनिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल एग्जांपल, जिसमें ग्लाइकाबायरसोल और ट्राइपेरेसेमाइड होता है, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन इस पे आया हुआ आर्सेनिकल्स पे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एंटीमोनियल की बात करते हैं। एंटीमोनियल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एंटीमनी हो, उसको हम बोलते हैं एंटीमोनियल्स। अगेन दो कंपाउंड है इसमें, एंटीमनी सोडियम ग्लाइकोनेट होता है, इसमें तो एंटीमनी का नाम आता है, लेकिन स्टिबोफेन आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई बार क्वेश्चन आया हुआ है फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्टिबोफेन पे, स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता है कि स्टिबोफेन में क्या है, स्टिबोफेन से याद रखना एंटीमोनियल, आर्सेनिकल से याद रखना ग्लाइकाबारसोल, ये सारा इसका क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। अब इसमें अपन थोड़ा सा अपन कुछ कंपाउंड को साथ में लेंगे और डिटेल में इनको देखेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ रिवाइजन के तौर पे, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स को किल करता है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है हम उसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। लिविंग सर्फेस पर करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। नॉन लिविंग को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। मैकेनिज्म एक्शन वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ऑक्सीडेशन या एलोजिनेशन करेगा, और इसमें कैटेगरीज ऑक्सीडेटिव एजेंट कहेंगे, आयोडीन प्रेसिपिटेशन कहेंगे, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट कहेंगे, मर्करी कंपाउंड कहेंगे, सल्फर कंपाउंड कहेंगे, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड कहेंगे, आर्सेनिकल्स एंड एंटीमोनियल्स हैं फ्रेंड्स। ये है सारे इसका क्लासिफिकेशन, और इसमें से ही करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा क्या व्हिच वन इज द ऑक्सीडेटिव एजेंट, व्हिच वन इज द आयोडीन प्रिपरेशन या व्हिच वन इज द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, ये सारे के सारे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आर्सेनिकल और एंटीमोनियल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एज एंटी माइक्रोबियल यूज होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए बेल आइकन को भी इनेबल करें। यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।